अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बख़ैर। क्या हाल है आप सबका? सब खैरियत से हैं? आज देखें, ये फिर इतनी तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त, बहुत तेज़। तकरीबन सुबह से ही ऐसा मौसम है। वैसे अभी बिल्कुल सुबह ही है, तकरीबन इस वक्त बजे हैं 9 बज गए ऑलमोस्ट। और जब मैं सुबह फजर पे उठी, तब से ही वेदर जो है वो इसी टाइप का है। देखें, और हवा भी है और बारिश भी है। और ये देखिए मेरे प्लांट्स, माशाल्लाह कितने ग्रीन ग्रीन, कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मैंने असल में ना, बहुत हवा थी तो मेरे ना गमले जो हैं वो सारे बालकनी में ना, मैंने देखा कि गिर गए नीचे हवा से ना, और उनकी कुछ की तो मिट्टी भी बाहर निकल आई। तो फिर मैंने इनको सबको ना एक साइड पे रख दिया सबको। ये देखें बेचारे ना एक साइड पे पड़े हुए। और जनाए जनाब, आप लोगों का सबका क्या हाल है और कैसा गुजर रहा है दिन? और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में भी जो है वो बारिशें अब शुरू हो जाएं, क्योंकि ये खुश्क सर्दी सर्दी जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा गले ख़राब करती है और जो है ना वो वायरल इन्फेक्शंस करती है। सीज़न जब चेंज होता है तो काफ़ी देर तक बारिश शुरू होती है, दिसंबर तक चली जाती है बाज़ औक़ात नवंबर में। तो जितनी देर होती जाती है उतनी ड्राइनेस होती जाती है, और ड्राइनेस से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, गले में, आँखों में, और सारा ही जो है ना वो सिस्टम ख़राब होता है। तो अल्लाह से दुआ है कि बारिशें हों पाकिस्तान में भी, खैर की बारिशें हों, बल्कि हर जगह बारिशें हों। और इधर तो जो है ना ये बहुत बारिश होती है इस सीज़न में, हमेशा ही, ये अक्टूबर नवंबर में दिसंबर तक हमेशा बारिश होती है। मतलब खुश्क सर्दी इधर उस तरह की नहीं आती बिल्कुल भी ना। तो वैसे तो देखें, सर्दी ने अपना काम सारा कर दिया है, बिल्कुल दरख्त जो हैं वो येलो और पतझड़ जो है आपको नज़र आ रहा है, सारा बिल्कुल ग्रीनरी जो है वो बहुत कम हो गई है। पर ये माशाल्लाह स्टिल ग्रीनरी जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। और मेरे ये जो फूलों वाले प्लांट्स थे सारे, ये भी बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं फूल, लेकिन स्टिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पानी भी आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है, बारिश के ऊपर से मुझे गिर रहा है पानी ना, तो मैं आगे नहीं इसलिए जा रही। तो चलें जी, आज के दिन का आगाज़ होता है एक खूबसूरत दिन से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक हर तरफ खैरियत रखे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। और अभी मैंने तो थोड़ा सा मैं ट्रेडमिल कर लूं, मैं डेली तो नहीं करती, बीच में नागा भी कर देती हूँ, लेकिन यह कि कोशिश करती हूँ कि दिन में किसी एक टाइम ज़रूर करूँ। कभी रात में कर लेती हूँ, शाम में भी कभी कभार कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर रात को करती हूँ, डिनर के बाद, खाना खाने के बाद, और या फिर कभी कभी मैं सुबह में भी करती हूँ। तो जब बस हिम्मत हो और टाइम मिले तो कर लेती हूँ, लेकिन करना चाहिए। आजकल बाहर ज़रा काफ़ी ठंड हो गई है तो इतनी वॉक नहीं होती, तो इसलिए फिर ट्रेडमिल ही करना पड़ता। ये बस मैं अभी अपने बेटे के लिए सैंडविच बना रही थी। ये बहुत ही सब माएँ करती हैं ऐसे, क्योंकि बच्चे जो है ना एक टाइम खा लें तो उसके बाद फिर दोबारा उनको होता है कि ये नहीं खाना। तो ये रात का लेफ्ट ओवर कीमा था जो बना था सालन के तौर पे, और मैंने उसके अंदर थोड़ा सा बस प्याज और सैलड और कैप्सिकम को थोड़ा सा चॉप करके और साथ चीज़ ये डाल के बस मैं इसको सैंडविच बना के दे रही हूँ। हालांकि वही कीमा है, लेकिन अब ये शौक से ये खा लेगा समझ के कि ये सैंडविचेस हैं। अदरवाइज़ वो अगर यही दोबारा मैं रोटी के साथ देती तो उसने कहना था मैंने नहीं मामा खाना। तो ये माएँ सारी करती हैं, और एटलीस्ट हेल्दी होता है बच्चों के लिए और वो खा भी लेते हैं। और अब मैं इसको बस थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे करके इसको मैं बंद कर दूंगी। और बस अभी मैं अपनी अपॉइंटमेंट के लिए इधर आई हूँ वेस्टर्न हॉस्पिटल। मेरी आँख की अपॉइंटमेंट थी,
तो यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस वजह से रश बहुत कम है, बहुत कम रश है देखिए लोग, और बहुत क्वाइट सा हुआ हुआ है इस वक्त। अपॉइंटमेंट्स भी ऑलमोस्ट जो हैं इस वक्त बहुत ही कम हो रही हैं, बस कोई बहुत ही ज़रूरी हो तो डॉक्टर्स देख रहे हैं, अदरवाइज़ आपको सिर्फ फ़ोन ही करते हैं, फ़ोन पे होती है अपॉइंटमेंट। घर को वापसी हो रही है, बस सारा दिन ऑलमोस्ट निकल गया, रात हो गई है। वैसे भी टाइम तो इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ये देखें जी, आज जो है वो इधर दिवाली है और हर तरफ जो है वो फायरवर्क हो रहे हैं, तो मैंने कहा आपके साथ एक क्लिप शेयर करूं। ये देखें हर तरफ जो है वो हो रहे हैं, और अभी ये बढ़ते जाएंगे, अभी ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ऑलमोस्ट सारा आसमान जो है ना वो जगमगाने लगेगा। तो आज हालांकि सारा दिन हो गया बारिश होते हुए, लेकिन जो है वो ये दिवाली के जो उनके फायरवर्क्स हैं वो हो रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर करूं। भी मेरे जो इंडियन यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं उनको बहुत बहुत हैप्पी दिवाली, और ये मैं उनको सेलिब्रेशन दिखा रही हूँ। ये मेरी बेडरूम की विंडो है, इधर से मैं दिखा रही हूँ, पहले मैंने आपको बैल्कनी से दिखाया, अब मैं अपनी बेडरूम की विंडो से दिखा रही हूँ। तो सारी हर तरफ ये देखें मेरी लिविंग रूम की विंडो से कैसे नज़र आ रहा है फायरवर्क सारा, ना इतना ज़्यादा, अभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ये भी किचन में काम कर रही थी, और मैंने कहा चले मैं आपको एक व्यू अपनी लिविंग रूम की विंडो से भी दिखाती हूँ, तो बस देखें और इन्जॉय करें। ये देखें जी, आपको मैं अपने घर के अंदर से बिल्कुल जो है वो फायरवर्क दिखा रही हूँ, और इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब स्टार्ट हो गया, अब ये बढ़ता जाएगा और तकरीबन 12-1 बजे तक जो रात के बहुत ज़्यादा होगा। तो बस मुझे ना इसका, जब ये बहुत ज़्यादा फायरवर्क होता है ना, तो मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा वो होता है कि ना मुझे वो लगता है कि जो बर्ड्स हैं ना वो बेचारे जो है ना वो बड़े डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो वो ज़ाहिर है उनको तो नहीं पता, तो वो जो है ना वो हो रहे होंगे, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है ये सेलिब्रेशन है, फेस्टिव सेलिब्रेशन है, तो जो एक खुशी का त्यौहार है जो इधर हमारे एक हिंदू कम्युनिटी है उनके लिए, तो लंदन जो है वो एक ग्लोबल सिटी है, यहाँ पे सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ पे क्रिसमस तो होता ही है, इसके अलावा ईद, दिवाली और बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जो यहाँ पे तकरीबन लोग सब मिलजुल कर मनाते हैं, और अच्छी बात है कि एक दूसरे के साथ जो है वो खुश रहते हैं और शेयर करते हैं चीज़ें। तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ भी जो है वो फायरवर्क शेयर करूं, और जो है वो मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको। और ये मेरे प्लांट्स जो हैं ये देखें, मैंने आप अंदर आपको दिखा रही हूँ, मेरे घर में ज़्यादा जो है ना वो लैंप्स जलते हैं, तो लैंप्स में जो है वो आपको इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं आपको चलें लैंप ऑन करके थोड़ा लाइट ऑन करके दिखा देती हूँ। ये मेरे प्लांट्स देखें, और ये बाहर आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी विंडी है, ठंडी सी हवा भी बहुत ठंडी है, और तो जो मेरे ये जो लंबे वाले प्लांट्स हैं ना ये नीचे बेचारे गिर रहे थे, तो फिर मैंने इनको ना जो है वो अंदर ला के रख दिया। वैसे नॉर्मली ये यहाँ पर नहीं होते,
आपको अपने प्लांट्स जो हैं वो दिखा देती हूँ थोड़े से। ये देखें, ये कितने ज़्यादा तकरीबन काफ़ी ह्यूज है, और ये मैंने ला के अभी इसको अंदर रखा है, क्योंकि ये बाहर बेचारा ना पूरा गमला ही नीचे गिर गया और इसकी मिट्टी सारी जो है ना निकल के बाहर, तो फिर मैंने इसको ला के अंदर रखा है और अब शुक्र है ठीक है। मैंने कहा यही ना हो कि बीच में से टूट जाए। और ये वाले तो जो हैं ये आर्टिफिशियल हैं, बट ये जो हैं रियल हैं। मेरे घर में काफ़ी रियल प्लांट्स हैं, मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे प्लांट्स बहुत पसंद हैं। तो किसी दिन मैं आपको अपने सारे प्लांट्स दिखाऊंगी जो कि रियल हैं। तो ये मैंने अभी कुछ देर पहले ला के रखे ना, तो ये अभी थोड़े थोड़े, बारिश सारा दिन हो गई है होते हुए, तो थोड़े थोड़े गीले से भी हैं। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरे प्लांट्स कैसे लगे। और मैं ब्रास कलेक्टर हूँ, मुझे ब्रास बहुत पसंद है, साथ ये मिल्क ग्लास पड़ा हुआ है तो ये मुझे बहुत पसंद है। और ये मैंने ना ईद पे डेकोरेशंस की थी ईद के ऊपर, तो वो अभी तक पड़ी हुई हैं अभी तक, बाकी तो उतार दी हैं, एक आध जो हैं वो भी लगी हुई हैं। ये जहाँ जैसे यहाँ पे लोग क्रिसमस पे और दिवाली वगैरह पे भी सब लोग डेकोरेट करते हैं, तो ज़ाहिर है हम लोग अपना ईद पे करते हैं, तो ईद पे फिर मैं ये सारे घर में ऐसी डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो हैंग करती हूँ, लगाती हूँ, अरेंजमेंट्स करती हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूँगी पिछले साल की ईद की जो वीडियो है, या इस साल की सॉरी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिंक डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हैं मेरी ईद की जो है वो फेस्टिव डेकोरेशन। ईद पे घर में मेरे गैदरिंग थी तो मैंने अपने घर को कैसे डेकोरेट किया था वो मैं आपको उसमें आप देख सकते हैं जाके। ये मैं दूसरी साइड से आपको अपना प्लांट दिखा रही हूँ, ये भी काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी टॉल है, लंबा है, और ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये रियल है। और रियल प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ घर में अगर आपने कुछ भी इतना ख़ास ना किया हुआ हो ना, तो अगर आप रियल प्लांट्स रखते हैं ना, तो उनसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरती जो है वो आ जाती है हमेशा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस लेकर आते हैं, और ज़ाहिर है कि अच्छी फ्रेश ऑक्सीजन भी आपके घर में रहती है। तो प्लांट्स, रियल प्लांट्स को ज़रूर रखें अपने घरों में। आपके घर के अंदर का जो मौसम है ना, एटमॉस्फेयर, आपकी फ़ज़ा, वो बहुत अच्छी रहेगी, फ्रेश रहेगी, और ख़ूबसूरती तो है ही। और ये पीछे आपको जो ये आवाज़ें आ रही ना, ये सारी फायरवर्क की हैं जो कि बाहर दिवाली का हो रहा है, और इसकी जो पटाखे पट रहे हैं ना, ये उनकी आवाज़ें हैं। तो ये आज का व्लॉग जो है मेरा यहीं पे मैं इसको ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और अपनों को खुश रखें, और हमेशा छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। इंस्टाग्राम पेज भी आप जाके मेरा फॉलो कर सकते हैं, उसका नाम भी माई लंडन लाइफ ही है। आप उधर मेरी डेली की जो पोस्ट हैं वो देख सकते हैं, और उसमें मेरी बहुत सारी घर की डिफरेंट पोस्ट हैं वो भी देख सकते हैं। ये देखेंगे हाँ। तो आज की ये दिवाली की सेलिब्रेशन के साथ ही आज का मेरा व्लॉग अब खत्म होता है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।